तो पहले तो जो लोग जो है ना ये पीएसएल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो मेरी वीडियो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इस पीएसएल में यकीन करो दिल चाह रहे मां चो दू भेण चो इतने कोई घटिया किस्म के ये पीएसएल के मैनेजमेंट है। टिकटें अनाउंस किए इन लोगों ने और स्टेडियम्स बताए कि कौन कौन से जो है स्टेडियम में पीएसएल के मैचेस होंगे, और टिकटें बताता हूँ आप लोग को, मतलब भेण चो हम लोग मैच देखने ना जाए, घर बैठे रहे हम लोग। अबे दिल करता चलो ठीक है माना कि तुम्हारे बदबूदार स्टेडियम है, पहले जरा स्टेडियम की बात में तारीफ करेंगे। टिकट की लिस्ट भेण चो टिकट की लिस्ट जो है यहाँ पर आ गई है और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से मैच में कौन सी टिकटें होने वाली हैं। बड़े मैचेस की टिकटें अलग हैं, छोटे मैचेस की अलग हैं, मतलब तुम्हारा कोई दीन ईमान। अबे तुम मुसलमान हो कौन हो तुम, बेवकूफ हो जाहिल हो, तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान के लोगों के लिए तुम पीएसएल बना रहे हो, ये कौन सी तुम्हारे पाकिस्तान के लोग पीएसएल देखेंगे हैं? टीवी पर देख लेंगे, लेकिन जिन लोगों को स्टेडियम में जाना है वहां के तुम लोगों ने उनकी मैच गुर्बत से वैसे हाल हुआ पड़ा है हमारा। ऊपर से सोचो कि भाई यहां पर तुम लोगों ने टिकट की प्राइस रखी, ये क्या कौन सी प्राइस है, देखो डिटेल में आप लोग को बताता हूं कि भाई क्या क्या प्राइस है। सबसे पहले मैच वन की, जो पहला मैच होने वाला है उसकी मैं आप लोग को प्राइस बताता हूं, तो भाई जो सबसे कम टिकट है वो है 1,000 रुपए की। मुझे बताओ जो बंदा 15,000 रुपए कमाता है मंथली, ठीक है ना, मंथली 15,000 रुपए कमाता है, वो 1,000 रुपए भर के तुम्हारा मैच देखने जाएगा? भैंचो होती है ना, कम से कम बंदा अपनी औकात के मुताबिक तो प्राइसेस रख ले। 1,000 रुपए भर के कौन गरीब का बच्चा जो है, जो रेडी लगाता है, जो मजदूरी करता है, जिसकी दिहाड़ी पूरी 1,000 रुपए की, वो 1,000 रुपए कमाकर शाम को अपने बच्चों के लिए आटा चीनी दाल लेके घर जाता है, वो 1,000 रुपए भर के तुम्हारा वो ये पहला मैच देखने के लिए जाएगा? उसका ख्वाहिश नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं रहता। तुम लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग नहीं, तुम लोग इसको बिजनेस सुपर लीग कह लो, क्योंकि भाई एक इंतहाई चूतिया किस्म के तुम लोगों ने प्राइसेस रखी है। सबसे कम टिकट ये मैं बता रहा हूँ 1,000 रुपए। उससे ऊपर की अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जिसको आप लोग कहते हैं कि भाई हमारी फर्स्ट क्लास टिकट है, वो है 2,000 रुपए। और 1,000 और 2,000 में आपको बता देता हूँ कि फर्क क्या है। जो 1,000 रुपए पे करेगा ना उसको भाईजन नीचे फर्श पे बैठना है। अगर फर्श पे नहीं बैठना ना, अगर फर्श पिछले वैसे तो फर्श पे बैठा जाता है, लेकिन लास्ट सीजन में पता नहीं लोगों को कैसे शर्म आ गई, इन लोगों ने शादी की कुर्सियां रखी हुई थी, शादी की कुर्सियां रखी हैं, अपना पीएसएल का मैच करवा रही है और शादी की कुर्सियां रखी है, और उसके अंदर भी इतने खटमल, इतने बदबूदार, कसम से इन बेगैरतों को शर्म नहीं आ रही कि पीएसएल से करोड़ों रुपए कमा रहे। भैंचो तुम लोग बैठने का इंतजाम तो कर लो आवाम का, उसके बाद तुम लोगों ने यहां पर रखा है अपना प्रीमियम का। प्रीमियम में तुम लोगों को पता होगा प्लास्टिक की कुर्सियां जो चिपकाई हुई, जिसके ऊपर कवे की बीटे, कबूतरों की टट्टियां और पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है, उसको ये लोग प्रीमियम कहते हैं। और प्रीमियम की टिकट कितनी रखी है? 3,000 रुपए पाकिस्तानी, 3,000 रुपए, मतलब फैंचो तुम्हारा बाप जाके देखेगा 3,000 रुपए में वहां पर मैच। और फिर वीआईपी कैटेगरी चेक करो तुम, जनरल, फर्स्ट क्लास, प्रीमियम, वीवीआईपी और वीवीआईपी, तुम्हारा बाप देखेगा वीआईपी में मैच। जब तुम इतने हाईएस्ट टिकट रखोगे, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव रखोगे, तो भैंचो कम से कम स्टेडियम तुम एक जैसे तो बनाओ। अबे तुम हैदराबाद का स्टेडियम जाकर देखो, अभी जो बना है अहमदाबाद का स्टेडियम जाकर देखो जो अभी बना है, तुम्हें पता चलेगा कि भाई कैसे स्टेडियम के अंदर एक जैसी सीटें हैं, एक जैसी टिकट्स है। ऊपर की टिकट अगर कम होती तो नीचे की टिकट ज्यादा होती, लेकिन सीटें कम से कम बैठने के लिए लोगों को पता होता है कि भाई बैठना कहां पर है, सीटें साफ सुथरी होती हैं। तुम लोगों ने यहां पर प्राइसेस बना दिया, लेकिन मैं तुम लोग के लिए एक मैच देखने जाऊंगा, जलालत करूंगा, जलील होऊंगा मैं। पहला मैच देखने के लिए तो नहीं, लेकिन मैं जरूर कराची में जो भी फाइनल होगा या जो भी होगा एक मैच देखने के लिए मैं जाऊंगा। वहां पर मैं तुम लोग को इनकी औकात याद दिलाऊंगा कि ये इतने पैसे लेकर स्टेडियम के साथ करते क्या है। ये तो मैं आपको पहले मैचेस की बता रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा तीसरा मैच है उसके अंदर टिकट को इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा कम। अच्छा, वीआईपी की जो टिकट है वो है 6,000 रुपए की, 6,000। और उसके बाद वीवीआईपी की जो टिकट है वो है 15,000 रुपए की। मदर चो कौन 15,000 रुपए भरेगा है? मैं कहता हूं जिस जो फैसिलिटीज तुम लोगों ने 15,000 में देनी है ना, वो फैसिलिटीज तुम्हें 1,000 रुपए में देनी चाहिए। 15,000 में तुम पता नहीं क्या रिश्ते भी साथ में दे रहे हो, खवातीन को भी तुम साथ में पेश कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो 15,000 में भाई? तुम 15,000 किस बात का ले रहे हो पीएसएल की मैनेजमेंट? ये मैं पहले मैच की बता रहा हूं तुम लोग को। उसके बाद जब मैच टू की बात करते हैं, थोड़े थोड़े कम है। मैच टू में आपको जो सबसे वीवीआईपी है वो 10,000 की देखने को मिलेगी, उससे कम आपको 2,000, फिर 1,500, फिर 750 और फिर 500। मतलब औकात है हमारी इतनी, 500 रुपए की तुम लोग ने ये फालतू के जो मैचेस है उसकी 500 की। अच्छा, ये भी नहीं कि दीन ईमान इनका सलामत, ना 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 ना, दीन ईमान बिल्कुल उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। मतलब किसी मैच की टिकट 500, किसी की 750, किसी की 900। इन लोगों ने अजीबो गरीब सिस्टम बनाया है भाई। अब जो पिशावर का फैन है वो पिशावर का मैच छोड़कर वो क्वेटा का मैच देखने के लिए जाएगा, क्योंकि भाई टिकट क्वेटा के मैच की कम है, पिशावर के मैच की टिकट जो है वो ज्यादा है। मतलब खुद सोचो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। उसके बाद जो है, अच्छा ये तो हो गए टिकट, ठीक है। अब फाइनल के टिकट की बात करेंगे तो फाइनल में जो फाइनल का जो सबसे कम वाला टिकट है वो 2,000 रुपए का है। मतलब खुद सोचो यार, ये तुम लोग कर क्या रहे हो आवाम के साथ, चूतिया बना रहे हो आवाम को लिटरली पीएसएल के नाम के ऊपर। ये अपना बिजनेस कर रहे हो, ये पाकिस्तान को दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हो। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हॉस्पिटैलिटी बॉक्स कहा जाता है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के नॉर्मल दिनों में जो इनका होता है उसके अंदर जो एक इसका कहते हैं ना हॉस्पिटैलिटी बॉक्स, एक बॉक्स की कीमत होती है 10,00,000 रुपए। ये ना
पाकिस्तान की सबसे हसीन महिला को लाकर माहिरा खान को हमें लाकर वहां पर पेश करते हैं। मतलब कटरीना कैफ आती है वहां पर या वो अंजलिना जूली आती है कि तुम लोगों ने 10 लाख रुपए एक बॉक्स की प्राइस रखी हुई है भाई, ये किस ये कौन से तुम लोगों ने पैसे लिए 10 लाख रुपए और तुम्हारे के पास कितने टोटल 6 बॉक्स है, मतलब 60 लाख रुपए। अच्छा ये मैं आप लोग को पहले मैच की बता रहा हूँ, लास्ट फाइनल मैच पे जाओ तो फाइनल मैच में जो है वहां पर आपको 20 लाख रुपए का एक बॉक्स मिल रहा है, 20 लाख रुपए का एक बॉक्स मिल रहा है आपको। मदर मेरा बल्ला का इनकी माँ का भोसला मारो कसम से, 20 लाख रुपए तुम्हारे बाप ने भी कभी देखे 20 लाख रुपए? तुम इतने महंगे महंगे बॉक्सेस बेच रहे हो और तुम कहते हो तुमने पाकिस्तान की आवाम के लिए ये पीएसएल बनाया हुआ है, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए पीएसएल है, पाकिस्तान वाले कहां से अफोर्ड करेंगे भाई? मैं खुद अगर पाकिस्तानी मैं जाऊंगा सबसे सस्ते वाले में जाऊंगा ताकि भाई मुझे जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, एक तो साला बार बार मेरे पिछवाड़े पर हाथ लगा के तलाशी के बहाने मेरे पिछवाड़े पर हाथ लगाया जाता है, इज्जत लूटने की कोशिश की जाती है, और तुम लोग कहते हो भाई तुम लोग पीएसएल करवा रहे हो किस बात? कम से कम 600 जगहों पर भाई तलाशी होती है, सीरियसली 600 जगहों पे। आप जब सबसे पहले तो आप जाओगे जैसे गेट से एंटर होगे रेंजर्स वाले खड़े होंगे, पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, भाई टिकट दिखाओ तलाशी लो, फिर ठीक है बाइक को अंदर लेके जाओ बाइक पार्क करो, ठीक है बाइक पार्क करके जैसे बस में चढ़ने लगो बस में चढ़ने से पहले तलाशी के कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं है, ये कोई बम वगैरह लेके नहीं घूम रहा, बस से उतरो, उतर के गेट के जाओ, अभी स्टेडियम वाला गेट नहीं अभी मेन रोड वाला, वहां पर जो है आपको कम से कम 100 बंदों के पीछे लाइन लगानी पड़ेगी और फिर वहां पर तलाशी, वहां से फिर जाओ बीच रोड के ऊपर जो है वो जैमर्स लगे हुए हैं वहां पर आपकी तलाशी, ठीक है उसके बाद फिर स्टेडियम की गेट्स आ जाते हैं, स्टेडियम के बाहर की जो बाउंड्री है उसकी गेट्स आ जाते हैं, वहां पर आपकी तलाशी होगी और फिर वहां पर जाके आगे आपने टिकट शो करनी, आईडी कार्ड शो करना है, वो स्कैनिंग वगैरह करेंगे और फिर वहां पर आपकी तलाशी करके फिर आपको स्टेडियम के जो मेन गेट है उसकी एंट्री में लगा देंगे और फिर वहां पर आपकी तलाशी। मतलब कम से कम कोई 10 जगह के ऊपर तलाशी होती है भाई, कभी कभी हमें अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि भैंजो कभी हम टेररिस्ट वगैरह तो नहीं है कि भाई इतनी तलाशी हो रही है, और ना आप उसके अंदर हेडफोन लेके जा सकते हो, ना आप माइक लेके जा सकते हो, ना आप कैमरा लेके जा सकते हो, ना ही आप कोई वायर वाली चीज लेके जा सकते हो, अभी गुटखा पान तो समझ में आता है कम से कम ये चीज है, अब ये माइक है ना मेरे पास, ठीक है ये माइक ये मैं नहीं लेके जा सकता हूं, मेरे पास वायरलेस माइक है मैं वो भी नहीं लेके जा सकता हूं, मैं सेल्फी स्टिक भी नहीं लेके जा सकता हूं, पता नहीं ये करना क्या चाहता है, ये पीएसएल सुपर लीग नहीं, ये पीएसएल जलालत लीग बनाना चाह रहे हैं भाई, ये जलालत वाली लीग होने वाली, इसको पीएसएल की जगह पे पाकिस्तान जलालत लीग जो है वो तसव्वुर कर दो, इतनी इतनी बदबूदार कसम से स्टेडियम में तुम लोगों ने हालत बनाई होती है कराची का स्टेडियम में। तुम लोगों को कोशिश करूंगा पीएसएल से पहले जाकर अगर मुझे परमिशन मिल जाती है एक वीडियो बनाने की, वैसे परमिशन देंगे नहीं, इनको पता है मैं इनकी मां बहन एक कर दूंगा, ये परमिशन देंगे नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा कि स्टेडियम के बाहर बाहर से मैं आपको व्यू दिखा दूं कि भाई क्या हाल है स्टेडियम में, कैसे गटर के नालों से भी बदतर जो है हमारा ये कराची का नेशनल स्टेडियम जिसको तुम लोग कहते हो ना वो बना हुआ है, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का। मतलब खुद सोचो भाई पाकिस्तान में क्रिकेट मैच देखने जाना भी एक अजाब होता है, बहुत बड़ा अजाब होता है, और स्पेशली जितने लोगों ने प्राइसेस रख दी हैं दिल करता है ना तो गोली मार दें सालों को। खैर इस वीडियो का पार्ट टू भी है, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं जरा पार्ट टू भी निकालूंगा, उसके अंदर मैं और डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाओ ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मेरा नाम है मोहम्मद दयानत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।